नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एग्जाम डेट जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है। 14 दिसंबर को एग्जाम है और जो सेंटर है वो एसएमएस के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है जिन्होंने भी जो है इसका फॉर्म अप्लाई किया है। तो देखिए, इस नोटिफिकेशन में जो इसका एनएफएल का नोटिफिकेशन है इसमें सिलेबस मेंशन नहीं किया है कि डी फार्मा के किन सब्जेक्ट से या फिर बी फार्मा के किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चीज का मेंशन नहीं है, लेकिन आप ये मान के चले कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो डी फार्मा लेवल के होंगे, उनको आपको सही से करना है। तो एक प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना दिया है, एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें कि फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने कराया हुआ है और साथ में आप कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस जो है ₹500 है एक साल के लिए और केजीएमयू का भी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है जिसमें डी फार्मा का कंप्लीट सिलेबस दिया गया जो कि इस कोर्स में कराया गया, जिसमें कि आपका हेल्थ एजुकेशन हो गया, डीएसबीएम हो गया, सभी पुराने सब्जेक्ट भी जो है वो चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी में कराया गया है, साथ में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी है। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अभी से जो है सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हम बात कर लेते हैं कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम जो है ये नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको ओएमआर शीट जो है वो दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपका ये एग्जाम है टोटल जो है 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जो है 150 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, 150 एमसीक्यू आने वाले हैं जिसमें से जो है 100 एमसीक्यू जो है वो आपके फार्मेसी के होंगे। ठीक है, 100 एमसीक्यू जो है आपके फार्मेसी से रिलेटेड होंगे, बाकी जो आपके 50 एमसीक्यू हैं ये आपके जनरल, आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और कुछ क्वेश्चन मैथ से भी जो है वो पूछे जाएंगे। तो 1 से 2 पेपर जो है मैं आपको इनका करा दूंगा। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एनएफएल में, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इनके भी जो है कुछ क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 150 एमसीक्यू आएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 150 नंबर का जो है ये आपका टोटल पेपर ये जो है यहाँ पर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें जो है कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं दी गई है। तो इस चीज को जो है आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि जो है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोशिश करेंगे कि आप अधिकतम जो है वो क्वेश्चंस को सही करें। ठीक है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके जो भी आपके पास समय है थोड़ा सा आप और ज्यादा रिविजन कर सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट का एक लिंक जो है वो मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखें। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनको अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।